मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह में आज नाश्ते में देखें क्या है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सूरत सिटी, गुजरात, इंडिया। ये सूरत सिटी का होड़ी बंगला विस्तार है। ये खानकाह रिफाइया की आलीशान बिल्डिंग है, मस्जिद है। ये अप्सरा रेस्टोरेंट है। अप्सरा रेस्टोरेंट के बराबर सामने आदमी को क्या चाहिए ज़िंदगी में? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये होली बंगला पर भजिए की दुकान, भजिए की लाड़ी फेमस है, रोटी, कपड़ा, मकान भजिया के नाम से। यहाँ कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान लोग बोलते हैं इसका नाम। तो ये अपने प्याज के, ऑनियन के भजिए के लिए फेमस है। पकोड़े बोलते हैं ना, प्याज के पकोड़े। अप्सरा रेस्टोरेंट है ये होली बंगला पर, उसके बराबर सामने स्ट्रीट फूड, रोड साइड नाश्ता, सस्ता, अच्छा, बेहतरीन, ताज़ा। और अभी इनसे मेरी बात हुई तो बताया इन्होंने, और मैं पर्सनल भी जानता हूँ ये पूरी फैमिली को, अच्छे लोग हैं। ये तीसरी पीढ़ी ये काम कर रही है, तीसरी पीढ़ी से ये भजिया बना रही है, और 50 साल के ऊपर हो गए, 60 साल हो गए, बताते रहे कि 60 साल से ये पुश्तैनी धंधा है, तीसरी पीढ़ी चला रही है। 60 पैसे इसमें 100 ग्राम से स्टार्ट किया था, और आज की महंगाई, और सूरत मेगा सिटी है, डायमंड सिटी है, टेक्सटाइल सिटी है, और सूरत की महंगाई के हिसाब से फिर भी यहाँ सस्ता है। अभी भी यहाँ 25 रुपये में 100 ग्राम यानी 250 रुपये में किलो मिलते हैं, और आपको 10, 20, 30, 25 जितने का चाहिए देते हैं। और बहुत से लोग पाँव लेकर आते हैं, एक टाइम का खाना ये खा लेते हैं, पाँव और भजिया। और इतने बेहतरीन कांदे के, प्याज के ये भजिए बनाते हैं। बस एक ही टाइप के भजिए ज़्यादा बनते हैं यहाँ, प्याज के, कांदे के, ऑनियन के भजिए। और आप बिना चटनी के, यहाँ चटनी नहीं देते साथ में, बस बिना चटनी के भी आप ये इतना जायकेदार होते हैं, क्योंकि मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, तो ये बचपन से मैंने खाए हैं, तो बिना चटनी के भी ज़ोरदार लगते हैं। और साथ में देते हैं मिर्ची, और मीठे में चाहिए तो बूंदी और जलेबी भी मिलती है। बारिश की सीज़न में तो लाइन लगती है, संडे को और हॉलीडे को भी यहाँ लाइनें लगती है, इतनी ग्राहकी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सूरत में लोग खाने पीने के शौकीन है। बाहर की पब्लिक, रोड पर आती जाती पब्लिक ज़्यादा यहाँ आती है, और घरों में मेहमान हो तो लोग पार्सल यहाँ से ले जाते हैं, चाय नाश्ते के टाइम पे चाय नाश्ता, और बहुत से लोग तो यही खा के अपना पेट भर लेते हैं। तो दोस्तों, सूरत सिटी में आना हो तो इनके भजिए का, प्याज के भजिए का टेस्ट ज़रूर करना। सूरत के किसी भी एरिया में रहते हो तो एक बार आप आओगे तो याद करोगे कि भाई कासिम भाई ने कोई जगह बताई है। माशाल्लाह, ये सूरत की सिटी बस देखो जा रही है, ये रोड से थोड़ा अंदर है साइड पे एकदम। तो देखो, मैं अभी बिस्मिल्लाह ही वाला बरकतिल्लाह, मैं तो बचपन से खाता रहा हूँ, आज फिर खा रहा हूँ। मैं तो सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में आ गया हूँ, अभी भीड़ कम हुई बैठने की, अभी मुझे जगह मिली। हाँ, साथ में मिर्ची, भजिया, प्याज के भजिए। मुझे शुगर है इसलिए मैंने जलेबी नहीं ली। देखो भजिया, हाँ, मुँह में रखते ही घुल जाए ऐसे भजिए है। और ये मिर्ची, हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरत आओ तो इनके टेस्ट ज़रूर लेना, मज़ा आएगा, याद करोगे। और ये वीडियो मेरा सूरत के बाहर के अपने दोस्तों में भी शेयर करना,
ताकि उनको भी पता चले कि सूरत में ये सब बेहतरीन नाश्ता भी मिलता है। इनका टाइमिंग है सुबह 7 बजे लगभग स्टार्ट हो जाता है और शाम को 8 बजे तक चालू रहती है। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, जज़ाकुमुल्लाह। अपने दोस्तों में गुजरात बाहर, इंडिया बाहर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।